नमस्कार, मैं वैभव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की एक और लिस्ट। मैनपुरी से जयवीर सिंह होंगे प्रत्याशी, किरण खेर और रीता बहुगुणा का टिकट कटा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से प्रवीण पटेल, प्रयागराज से नीरज त्रिपाठी, मैनपुरी से जयवीर सिंह, कोशाम्बी से विनोद सोनकर, बलिया से नीरज शेखर, मछलीशहर से बीपी सरोज और गाजीपुर से पारसनाथ राय को चुनाव मैदान में उतारा है। प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काट दिया गया है। प्रयागराज से उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं। वहीं चंडीगढ़ से किरण खेर का टिकट काटकर संजय टंडन को उम्मीदवार बनाया गया है। किरण खेर चंडीगढ़ से 2 बार सांसद रही हैं। पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से SS आहलूवालिया को टिकट दिया गया है। आसनसोल से TMC ने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। तमिलनाडु के वेल्लोर में बोले PM मोदी, एक परिवार की कंपनी बनकर रह गई है DMK। तमिलनाडु के वेल्लोर में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि DMK के पास करप्शन का कॉपीराइट है। पूरी फैमिली मिलकर तमिलनाडु को लूटने का काम कर रही है। पार्टी एक फैमिली की कंपनी बन गई है। इन्होंने एंटी तमिल कल्चर को भी बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि DMK की फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से यहां के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। इस पार्टी में आगे बढ़ने के लिए 3 क्राइटेरिया है, जिनमें पहला फैमिली पॉलिटिक्स, दूसरा करप्शन और तीसरा एंटी तमिल कल्चर। राज्य के स्कूलों में भी ड्रग्स कारोबारी हैं। PM मोदी ने कहा कि इस चुनाव में तमिलनाडु की जनता DMK के पापों का हिसाब करेगी। वेल्लोर की धरती एक नया इतिहास बनाने जा रही है। BJP और NDA को तमिलनाडु में अपार जन समर्थन मिल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका, वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात की मांग ठुकराई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे में अदालत से दूसरा झटका लगा है। एक दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी थी और आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी दूसरी याचिका को खारिज कर दिया है। CM केजरीवाल ने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने की मांग की थी। केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने तर्क दिया कि मुख्यमंत्री के खिलाफ देश भर में 30 से ज्यादा केस लंबित हैं। ऐसे में हफ्ते में सिर्फ 2 मुलाकात केस को समझने और निर्देश देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस पर ED ने कहा कि जेल मैनुअल के अनुसार अरविंद केजरीवाल को अपने वकीलों के जरिए सरकार चलाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल की मांग को ठुकरा दिया। पतंजलि विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव का माफीनामा खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया है। जस्टिस हीमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्ला की बेंच ने पतंजलि के वकील विपिन सांघी और मुकुल रोहतगी से कहा कि आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, ऐसे में कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इससे पहले 2 अप्रैल को कोर्ट में पतंजलि की तरफ से माफीनामा दिया गया था। उस दिन भी बेंच ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा था कि यह माफीनामा सिर्फ खानापूर्ति के लिए है, आपके अंदर माफी का भाव नहीं दिख रहा है। इसके बाद कोर्ट ने 10 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की थी। सुनवाई से एक दिन पहले बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने नया एफिडेविट फाइल कर बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा था कि इस गलती पर खेद है और ऐसा दोबारा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का गौतम नौखला को आदेश, करना होगा 1.64 करोड़ रुपए का पेमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने एल्गार परिषद मामले के आरोपी गौतम नवलखा को झटका देते हुए कहा कि उन्हें 1.64 करोड़ रुपए का पेमेंट करना ही होगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गौतम नवलखा से इस रकम की मांग की है। NIA ने गौतम नवलखा को हाउस अरेस्ट में रखने पर आए खर्च का बिल मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा से सप्ताह भर में यह बताने को कहा कि वो पेमेंट कैसे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने कहा कि खुद नवलखा ने ही नजरबंदी की मांग की थी, इसलिए पेमेंट नहीं करने का सवाल ही नहीं उठता। कोर्ट ने गौतम नवलखा से कहा कि वो पेमेंट पर जल्द से जल्द निर्णय लें, क्योंकि रकम लगातार बढ़ती रहेगी। NIA ने कहा कि गौतम नवलखा की नजरबंदी के दौरान उनकी सुरक्षा पर 1.64 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भीषण हादसा, खाई में बस गिरने से 12 कर्मचारियों की मौत, PM मोदी ने जताया दुख। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भीषण सड़क हादसा हुआ है। खाई में बस गिरने से 12 कर्मचारियों की मौत हो गई है।
मृतकों में दो महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केडिया डिस्लरी फैक्ट्री के करीब 40 कर्मचारी रात में ड्यूटी समाप्त कर बस से घर लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में कुम्हारी के पास बस करीब 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत व बचाव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा देर रात घायलों से मिलने रायपुर एम्स पहुंचे। उन्होंने कहा कि हादसे की जाँच कराई जाएगी। नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिक्स का निधन, 94 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक पीटर हिग्स का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें विशेष रूप से गॉड पार्टिकल की खोज के लिए जाना जाता। इससे यह समझने में मदद मिली है कि बिग बैंग के बाद सृष्टि की रचना कैसे हुई। हिग्स बोसन सिद्धांत के लिए उन्हें संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। स्कॉटिश विश्वविद्यालय ने कहा कि पीटर हिग्स महान शिक्षक थे। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के कुलपति पीटर मैथिसन ने कहा कि हिग्स उल्लेखनीय व्यक्ति थे। वे सचमुच प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे। उनकी दृष्टि और कल्पना ने हमें दुनिया के बारे में ज्ञान को समृद्ध किया है। पीटर हिग्स के कार्यों से हजारों वैज्ञानिक प्रेरित होते हैं। आने वाली पीढ़ियां उनकी विरासत को आगे बढ़ाती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।